क्या उसने ऐसा कहा मेरे बारे में? मैं तो उससे कभी ना बात करूं, कसम खाता हूँ मुंह तक नहीं देखूंगा उसका मैं। अरे राजू क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ राजू, किसका मुंह नहीं देखोगे तुम? विशाल का। मेरे सामने ना आए वो दोबारा, मुंह नहीं देखना उसका मुझे। विशाल, वो तो तुम्हारा इतना करीबी दोस्त है। दोस्त मत कहना उसको पापा, मेरे ही पीठ पीछे इतनी बुरी बातें कही उसने मेरे बारे में कि क्या बताऊं? विश्वास उठ गया मेरा दोस्ती पर से। भैया ऐसा है तो आप मत करना बात उससे। अरे बताओ तो सही क्या हुआ राजू? माँ उसने पता है मुझे बेवकूफ लड़का बुलाया और कहा कि मेरा दिमाग गधे जैसा है और पता नहीं क्या क्या बोला वो। ऐसा कहा? हो अब तो मैं भी बात नहीं करूँगी विशाल भैया से। पर बेटा कब कहा, किससे कहा, कुछ तो बताओ। ओहो मनोज का कॉल आया था पापा, वो बोल रहा था कि रवि ने आज स्कूल के बाद विशाल को ये सब किसी को फोन पे कहते हुए सुना। मनोज? अच्छा वो लड़का जो पिछले हफ्ते ही तुम्हारा दोस्त बना था, और ये रवि कौन है जिसने उसको ये बात बताई? मम्मी मुझे क्या मालूम रवि कौन है, होगा मनोज का कोई दोस्त। मुझे तो सुन के इतना गुस्सा आया कि विशाल ये सब बोल रहा है, नहीं चाहिए ऐसा दोस्त। राजू बेटा विशाल तो तुम्हारा बचपन से दोस्त है, ऐसे कैसे तुम दोस्ती तोड़ रहे हो बिना सच जाने? तुम्हें उससे पूछ लेना चाहिए, हो सकता है कि। क्या दोस्ती निभाई उसने पापा, मेरे बारे में इतना सब कुछ बोला और आप लोग हो कि उसकी तरफदारी कर रहे हो। नहीं बेटा हम उसकी तरफदारी नहीं कर रहे। एक मिनट, ये मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो एक खेल खेलते हैं, मैं कोई सीक्रेट मैसेज तुम्हारी मम्मी के कान में फुसफुसाऊंगा, मम्मी वही मैसेज पिंकी को बताएगी और फिर पिंकी राजू को। ध्यान रहे मैसेज बस एक बार सुन सकते हो और एक बार ही बोल सकते हो, और एकदम धीरे से बोलना पड़ेगा ताकि कोई और सुन ना पाए। क्या बोल रही हो मम्मी, कान में कुदकुदी हो रही है। बेटा मैं तो रिपीट नहीं कर सकती ना रूल के अनुसार, तुम्हें जो सुनाई दिया है वही बता दो राजू को। चलो राजू अब जोर से बताओ मैसेज क्या था। राजू तो खीरा है खीरा, पता नहीं किस मक्की का आटा खाता है जो हरदम जीरो जैसा दिखता है। क्या पापा आपने मुझे खीरा क्यों बोला और मैं जीरो हूँ? अरे बाबा रुको, पिंकी तुम बताओ तुमने क्या बोला राजू को? ये बस मैंने तो हीरा बोला था, पता नहीं उसको खीरा कैसे सुनाई दिया। मुझे तो सही में जीरो सुनाई दिया। मैंने तो एकदम सही बोला था, राजू तू हीरा है हीरा, पता नहीं किस चक्की का आटा खाता है जो हरदम हीरो जैसा दिखता है। देखा राजू कैसे चक्की का मक्की, हीरा का खीरा और हीरो का जीरो हो गया। ओह गॉड इतना सारा कंफ्यूजन। वही तो, पहली बार में पूरा मैसेज ही गलत पहुंच गया राजू तक। अब समझा पापा कि आप मुझे क्यों बोल रहे थे कि विशाल से डायरेक्टली बात करूं। एग्जैक्टली बेटा, जरूरी है किसी भी बात को सही या गलत मानने से पहले उसको अच्छे से समझना। मम्मी सही कहा आपने, आज जब विशाल से बात हुई तो पता लगा वो मोबाइल पे कोई स्क्रिप्ट रिहर्स कर रहा था अपने एक्टिंग के ऑडिशन के लिए। वो मेरे बारे में नहीं बोल रहा था, वो तो उसके डायलॉग्स थे। शाबाश बेटा, अच्छा किया कि तुमने सच जानने की कोशिश की। हाँ मम्मी मैं अब से कोई भी चीज़ बिना सही से समझे नहीं मानूंगा।